हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी स्नैक्स लेकर आई हूँ, आलू ब्रेड टिक्की। तो चलो फिर देखते हैं ये किस तरह से बनाई जाएगी। हमने 4 से 5 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, जिसको अच्छी तरीके से पहले मैश कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे, खूब सारा हमें धनिया डालना है। हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डाली है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमें इसमें चाट मसाला डालना है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई पार्टी है या कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप ये इसमें बनाकर सर्व कर सकते हैं, या आप बच्चों की बर्थडे पार्टी पर भी ये बना सकते हैं। अब हम इसके लिए एक स्लैरी तैयार करेंगे, हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। अब हम उसमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। हम ये पेस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम टिक्की ऑयल में फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगी। इस बैटर में डिप करके बनाने से हमारी टिक्की ज़्यादा ऑयल सोक नहीं करेगी। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे, उसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे। हमने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहो तो इसमें वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ब्रेड को हाथों पर रख के इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब जो हमने आलू का बैटर बनाया था वो इसमें इस तरीके से रख देंगे और इसको एक राउंड शेप देंगे। इसकी हमें एक बॉल सी बना लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको टिक्की का शेप दे देंगे। हमने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम जो बैटर हमने कॉर्नफ्लोर का तैयार किया था उसमें टिक्की को डिप करके तेल में डाल देंगे। हमें टिक्की मीडियम गैस पर ही फ्राई करनी है, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बैटर में डिप कर लिया है। हम टिक्की को शैलो फ्राई कर रहे हैं। जब टिक्की नीचे से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको पलट देंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी टिक्की बनके तैयार हो जाएगी। गैस हमें मीडियम रखनी है और दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी आलू ब्रेड की टिक्की बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी है। बाहर से जितनी ही ये क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ खाएं, या आपको और आपकी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये ब्रेड आलू टिक्की पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।